राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की श्री कृष्ण गौशाला व कृषि उपज मंडी प्रांगण व नगर में आज करीब 70 से अधिक गायों की मौत हो गई है। और अगर 12 दिनों में गायों की मौत की बात करें तो 100 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। गायों की मौत क्यों हो रही है, इसको लेकर राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता खिलचीपुर की श्री कृष्ण गौशाला में पहुंची, जहां 15 से अधिक गायों के शव पड़े मिले। कलेक्टर ने गौशाला में बीमार गायों के इलाज और गायों की मौत को रोकने के लिए 4 पशु डॉक्टरों के दल को देख रेख के लिए गौशाला में रहने को बोला है, क्योंकि ये खिलचीपुर में लगातार गायों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गौशाला में क्षमता से अधिक गायें होने से गायों के हिसाब से गौशाला में टीन सेट नहीं है, जिसकी वजह से गायें खुले आसमान के नीचे रहती है, जिससे लगातार हो रही बारिश में भीगने और खुले में बारिश की वजह से हो रही कीचड़ में बैठने से हर दिन गायों की मौत हो रही है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। खिलचीपुर गौशाला 4000 गाय है टोटल, इस टाइम 2000 मंडी में है, 6000 गायें हैं और आज कम से कम 80 गाय मर चुकी है गौशाला और मंडी में और बाजार में। अब क्या चाहते हो आप? ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक तो वाहन की व्यवस्था हो जाए गाय लाने के लिए और यहाँ पे टीन शेड की व्यवस्था हो जाए गायों को रखने के लिए। आप कौन हो? मनोज कुमार गुप्ता, यहाँ पे गौ सेवा करता हूँ। देखिए, लगभग जो बारिश का सीजन है इसमें बहुत सारे जो गोपालक होते हैं जिनके पास गाय होती है उन्होंने अपनी गाय को ऐसे ही छोड़ रखा है, तो लगभग मुझे बताया गया 5 से 10 हज़ार गाय ऐसी हैं जो गोपालकों जिनके जो खुद अपनी गाय जिनकी है उन्होंने छोड़ रखा है, वो खिलचीपुर और अन्य जगह जो है घूम रही हैं। और बारिश में क्योंकि डिस्ट्रेस से पिछले 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है तो उसमें गायों को भी गाय भी स्ट्रेस में आई हैं और कुछ गाय बीमार हुई हैं जिसमें से कुछ गायों की मृत्यु भी हुई है। डॉक्टर इलाज के लिए मिलने रहेंगे? नहीं, डॉक्टर को इलाज के लिए मैं यहाँ पे 4 लोगों की टीम परमानेंटली स्टेशन कर रही हूँ, जब तक यहाँ से स्ट्रेस खत्म नहीं होगा तब तक की 4 डॉक्टर्स की टीम यही रहेगी, और भी जरूरत रहेगी तो जिले से और भी और अन्य सब डिवीजन से और भी टीम को यहाँ पर। आप गौशाला में अभी आई थी, यहाँ पे कितनी गाय यहाँ पे मृत मिली है? यहाँ पे लगभग कुछ गाय अभी भी बीमार है और लगभग 15 गाय जो है वो मृत देखी।